लास्ट डेट 13 सितंबर बताई जा रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बहुत अच्छी खबर हमें मिली है कि उसको 13 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया है। अगर हम आज अपना एचएचआर दर्ज कराने से कासिर हो जाते हैं, मेल नहीं भेजते हैं, तो हमें आने वाले वक्त में नमाज पढ़ने के लिए ना मस्जिद मिलेगी, ना मरने के बाद हमें दफन करने के लिए ना कोई कब्रिस्तान बचेगा। दोस्त, सिर्फ 4 करोड़ मेल जेपीसी को पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि 15 से 20 करोड़ मेल पहुंचने चाहिए थे। हमारे तमाम मस्जिदें, हमारे तमाम कब्रिस्तान, हमारे तमाम यतीम खाने, हमारे तमाम मुसलमानों के जितने भी जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, ये सब चीजें वक्त में आती हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, मेल के जरिए से अपना एहतजाज दर्ज कराइए, वक्त की प्रॉपर्टी को बचाइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेपीसी को भेजा गया था, जेपीसी ने जो मुसलमानों से अपनी राय मांगी थी, जिसकी लास्ट डेट 13 सितंबर बताई जा रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बहुत अच्छी खबर हमें मिली है कि उसको 13 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया है। जेपीसी ने जो 15 दिन का समय तमाम मुसलमानों को अपनी राय देने के लिए दिए थे, वो 15 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। हमने जो 13 सितंबर तक जो अपने मेल के जरिए से अपने एहतजाज दर्ज कराए हैं, सिर्फ 4 करोड़ मेल जेपीसी को पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि 15 से 20 करोड़ मेल पहुंचने चाहिए थे। ये वक्फ का मामला बहुत नाजुक मामला है, आप लोग इसकी जरूरत को समझिए। आज वक्त है, हमें 2 दिन मिले हैं, हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम आज अपना एहतजाज दर्ज कराने से कासिर हो जाते हैं, मेल नहीं भेजते हैं, तो हमें आने वाले वक्त में नमाज पढ़ने के लिए ना मस्जिद मिलेगी, ना मरने के बाद हमें दफन करने के लिए ना कोई कब्रिस्तान बचेगा। दोस्त, ये वक्फ का मामला इतना छोटा मामला नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की जमीन है तो वो इंडियन आर्मी की है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे अगर किसी की जमीन है तो वो रेलवे की है, उसके बाद तीसरे नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की जमीन है तो वो वक्फ की है, मुसलमानों की है। जो हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पर जिस जमीन को वक्फ कर दिया कि आने वाले समय में मुसलमानों का भला हो, इससे मुसलमानों की जो परेशानियां वो दूर हो, गरीब मुसलमानों को, यतीमों को इससे सहारा मिले, आज वो जमीन बचाने के लिए हमें सिर्फ एक मेल करना है। मैं अदबन आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं, ह्यूमनिट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अभी फौरन अपना मोबाइल उठाइए, इस दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, मेल में जाइए, मेल सेंड कीजिए, और जितने लोगों ने मेल किया है उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेल नहीं पहुंचे हैं, आप फिर एक बार उसे सेंड कीजिए। ये बहुत नाजुक मामला है, ये वक्त अगर 2 दिन का चला गया तो हमें वक्त फिर से नहीं मिलेगा, वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए हमें फिर से मौका नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अपने 2-4 मिनट देना है, अपने रिश्तेदारों से कहिए, अपने फैमिली मेंबर्स से कहिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, देखकर इतने मेल भेजिए कि ये फासिस्ट ताकत है, ये बीजेपी, ये RSS, ये नरेंद्र मोदी को पता चल जाए कि आप हमारे वक्फ के कानून में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारे वक्फ के कानून में आप बीच में नहीं आ सकते, ये जो जमीन अल्लाह की राह में दी गई है उसे बचाने के लिए हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान तैयार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने एक QR कोड बनाकर तमाम मैटर उसमें डालकर हमें सिर्फ एक स्कैन करके एक बटन दबाना है, इतना हमें आसान कर दिया है, फिर भी हम ये करने से चूक रहे हैं। क्या वजह है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, हमारे तमाम मस्जिदें, हमारे तमाम कब्रिस्तान, हमारे तमाम यतीम खाने, हमारे तमाम मुसलमानों के जितने भी जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, ये सब चीजें वक्त में आती हैं, ये तमाम चीजें वक्त में आती हैं। बहुत जगह मेरे भाई कारोबार कर रहे हैं वक्त की जमीन पर, कम से कम किराए में वो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके घर इस पे चल रहे हैं, तमाम लोगों को बेनिफिट हो रहा है इससे। इस मामले को आप समझिए, इसकी संजीदगी को आप समझिए। आप तमाम लोगों से अदबन फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि इस QR कोड को स्कैन कीजिए, मेल के जरिए से अपना एहतजाज दर्ज कराइए, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाइए, शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।